अज दा खूबसूरत प्रोग्राम तीवा सलाना खूबसूरत प्रोग्राम जश्न हौसल वरा निकात पजीरे जेरे सदारत आलम इस्लाम से इल्मी अदबी रूहानी शख्सियत उशकान मुस्तफा दे मत्थे दा जुंबर मेरे बड़े अजीजम हमेशा ही शफकत बरात मेरी कमर ते रखदे ने तुहाडे मेरे महबूब पीर मोहम्मद शफी कादरी साहब पुरवकार और बारोब चेहरा लिए मिंबर ते तशरीफ फरमाने आप दे नाल आले नबी औलादे अली पीर सैयद साकिब गिलानी शाह साहब तशरीफ रखदे ने भाई इमरान भाई बिलाल अल्लाह सब दी हाजरी अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए जहान भर के उदास लोगो जहान भर के उदास लोगो हुसैन तुमको बुला रहा है सभी के लब पे हुसैन क्यों है चुक सकते हो गाजी अब्बास तो महंगे ने फिर ना चुको सारी हाथ उठाओ आखिरी बंदे तक कैमरे वाले भाई अल्लाह तेरी ड्यूटी कबूल फरमाए कैमरा घुमा लेके जा देख के ना जरा गौसे आजम हाउस में बैठ के आज गाजी अब्बास ने नाम ते हाथ नहीं चुक रहा हाथ उठा जरा सारी ये बोलो नारा हैदरी नारा हैदरी आवाज ऊंची आ जाए नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी किबला शाह साहब बाबा जी मेरी सुभान चार मिसरे में पढ़े तुझे बड़ी दाद दी बड़ी दुआ दी तवज्जो जहान भर के उदास लोगो हुसैन तुमको बुला रहा है सभी के नाम पे हुसैन क्यों हुसैन यजीद मुंह को छुपा रहा है यजीद मुंह को छुपा रहा है यजीद मुंह को छुपा रहा है ये कत्लो गारत ये बम धमाके खून रेजी फिर भी महफिलों के हुजूम देखो देखो पता है शायरी किनू कहते ने और किथे बह के सुनी दिए वो बंदा इतने चुप रह जाए मैं समझा मैं भी नहीं आया बाबा जी तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह जहान भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है सभी के लब पे हुसैन क्यों है यजीद मुंह को छुपा रहा है ये कत्लो गारत ये खून रेजी दम धमाके फिर भी महफिलों के हुजूम देखो यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन उतना ही छा रहा है आपको दे रहा हूँ गाजी अब्बास के मुजार के बाहर जो अलम है वो है लाल रंग का जो गया है उसे पता है जो नहीं गया दुआ है वो भी जाए गाजी अब्बास भाई नदीम साहब आपकी टीम की भरपूर फरमाइश है मैं पेश कर रहा हूँ बाबा जी गाजी अब्बास सैयद तवज्जो गाजी अब्बास के मुजार के बाहर जो अलम है वो है लाल रंग का आप देखिए और फिर बोलिए तवज्जो चुल्लू में लिए दरिया की प्यास खड़ा है आप ना बोले मैं खुद कह लूंगा सुभान अल्लाह तवज्जो चुल्लू में लिए दरिया की प्यास खड़ा है शब्बीर का ये जर्नैल खास खड़ा है हर बंदे दी वास्ती गल नहीं होंदी मुश्किल गल ते बोल पैना जिसको खैरात गाजी अब्बास के हाथ से मिलती हो उसको हाथ नीचे रह जाए जुबान बंद रह जाए हो ही नहीं सकता तवज्जो चुल्लू में लिए दरिया की प्यास खड़ा है शब्बीर का ये जर्नैल खास खड़ा है लाल लिबास में ये अलम नहीं है लोगों महदी के इस्तकबाल में अब्बास खड़ा है पानी
क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हो वरना। थोड़े मुश्किल रिश्ते हैं, तवज्जो फरमाइए। गाजी अब्बास को करबला के मैदान में लड़ने की इजाजत क्यों नहीं दी? किसी ने पूछ लिया इमाम हुसैन से और गाजी अब्बास से। गाजी अब्बास फरमाते हैं क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हो वरना, बतलाऊं मैं तुम्हें अब्बास का करबला में उतरना। सस्ता तो है नहीं। एक ही कलाम मैंने पढ़ना है, ये जो मैं हाजिरी पेश कर रहा हूँ और उसी के साथ जन्म इसने बीबी पाक की बारगाह में तीन चार कलाम सारी बिला तरगीर मैंने करने हैं, क्योंकि मैं नकीब नीचे रह गया है, हबीब ऊपर आ गया। इस घर से मेरा ताल्लुक ऐसा है, इनसे प्यार ऐसा है, मोहब्बत ऐसी है, यहाँ नकीब नहीं आता, ठीक है, यानी कि मैं नकीब नहीं हूँ, इनका भाई इनका बेटा बनकर हाजिर होता हूँ, हमेशा ही मोहब्बत फरमाते हैं। तवज्जो, क्या कीजिए एक बंद में नबीब भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, थोड़ी बेस इसकी और बढ़ा दीजिए। क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हो वरना, बतलाऊं मैं तुम्हें अब्बास का करबला में उतरना। शायरी, हिम्मत है किसी में तो कोई सामने आए, हिम्मत है किसी में तो कोई सुभान अल्लाह कह के सुनाए, नहीं है पता नहीं कहां बैठे हैं। सुनिए, हिम्मत है किसी में तो कोई सामने आए। शायरी में ऐसा लफ्ज सुनने को मिले और बड़ा अच्छा लगे, फिर हक बनता है कि आप कहें। मियां फैसल गफूर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत है, इतने अबाब आपके साथ तशरीफ लाए हैं, खुशामदीद फैसल साहब। आप भी अहले बैत का जिक्र बड़े शौक शौक से सुनते हैं, आप भी तशरीफ ले आए हैं और मैं कोशिश करूंगा इधर से आपका जो आपका हुक्म होता है ना वो भी पेश करूं, कम वक्त में ज्यादा पढ़ जाऊं। नदीम भाई, भाई अजीम, उमर भाई, तवज्जो, क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हो वरना, बतलाऊं मैं तुम्हें अब्बास का करबला में उतरना, बतलाऊं मैं तुम्हें अब्बास का करबला में उतरना, बतलाऊं मैं तुम्हें अब्बास का करबला में उतरना, हिम्मत है किसी में तो कोई सामने आए, लड़ना तो बड़ी दूर बस नैन मिलाए। या अल्लाह जो दोनों हाथ उठाए आज की रात खाली ना जाए, जो बे औलाद है उसे औलाद में जाए, जो तंगदस्त आया है आज तंगदस्ती दूर हो जाए, जो परेशान बैठा है या अल्लाह परेशानी दूर हो जाए, उठाए दोनों हाथ जिसके हाथ गाजी अब्बास से लेंगे, नीचे रखे जो जाता है गाजी अब्बास के कटे हाथों का सबका, उसके हाथ किसी के मोहताज ना रहे, हाथ उठाए और बोले नाराए हैदरी। किसी में तो कोई सामने आए, लड़ना तो बड़ी दूर बस नैन मिलाए। गाजी अब्बास फरमाते हैं मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दो इशारा। सैयद मैनू याद है बाबा जी सरकार दे महफिल सी और इन्होंने जुमले ते ही आपने मैनू बड़ी दाद और बड़ी दुआ दी सी। तवज्जो कदीर भाई, ये मेरे वो जुमले हैं इस पे मजमा खड़ा हो जाता है, मेरा तो कमाल ही कोई नहीं, ये जिक्र जिनका है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि सारे खड़े हो जाओ, कोई एक बंदा मेरे ज़ौक के मुताबिक बोल पवे भाई, जिन्हें भी बैठे हो सब दी खास तवज्जो। क़िबला शाह साहब गाजी अब्बास फरमांदे ने हिम्मत है किसी में तो कोई सामने आए, लड़ना तो बड़ी दूर बस नैन मिलाए, मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दो इशारा, मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दो इशारा, मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दो इशारा। मट्टी का
ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਸੀਬ ਲੈ ਆਏ मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा इस मिश्रे पे मैं अब तक लगा हुआ था तो ओन हैदर साहब मेरे बड़े काबिल दोस्त हैं, बड़ा अच्छे लिखते हैं, कई अशआर आप बतौर तोहफा मुझे पेश करते हैं। उम्र में जो है वो छोटे हैं, काम में बहुत बड़े हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई आकिब राज, आप भी तशरीफ आपके साथ, भाई आकिल साहब तशरीफ लाए हैं, भाई तौकीर साहब खुशामदीद, इबला शाह साहब मेरी मेहनत न, जो मेहनत भाई रिजवान ने की है मैं तो बस हाजिरी पेश कर रहा हूँ, मेहनत आपने कर दी है, लकड़ियां इकट्ठियां कर देती हैं, सारा ऐन करके ग्राउंड बना लिया है, मैं सिर्फ तीली लानी है, क्योंकि उसने जो मुझे गाली और मुशरिक की सदा दी फिर मैंने भी या अली कह के उसे आग लगा दी। बॉर्डर तो पल्ली शहर की रुकावट नहीं हो रही। फैसल भाई तवज्जो, गाजी अब्बास फरमाते क्या कीजिए, एक बंद में पाबंद हूं वरना बतलाऊं मैं तुम्हें, अब्बास का करबला में उतरना, हिम्मत है किसी में तो कोई सामने आए, लड़ना तो बड़ी दूर, बस 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 नैन मिलाए मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दो इशारा, मट्टी का जो मालिक है वो बाबा है हमारा। अशर में वो काम दिखाएंगे अब्बास के बाजू, दरिया को उठा लाएंगे अब्बास के बाजू, इब्न हैदर का कातिल किधर जाएगा, हर समत नजर आएंगे अब्बास के बाजू। अब्बास तो देखो जिसमें बस जबर लगता है, हाथ कट के भी बुलंद हैं ऐसे, यकीनन ये किसी माँ की दुआओं का असर लगता है। इसके सरकार में जुदा से गुजर जाते हैं, ये हकीकत है कि वो लोग सवर जाते हैं, हर जगह हुक्म करते हैं मगर रह जाता है, बस इसके सरकार में जुदा से गुजर जाते हैं, ये हकीकत है कि वो लोग सवर जाते हैं, जब अख लड़ जाए तो फिर इसका जाना है, शाहें उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवानगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार, जो अख लड़ जाए तो फिर आ जाता है इश्क। मियां साहब पीर साहब ने इश्क को सवाल किया, इश्क मैं तुम्हें मिलना चाहना, तेरा एड्रेस की है, तेरा पता की है, ये वो कलाम है कि जब मैंने नकाबत का आगाज किया तो भाई फैसल साहब, भाई नदीम साहब, इनके चाहने वाले एक सैयदजादे हैं, उन्होंने ये कलाम पढ़ा इश्क, मैंने जो है उसको पढ़ा, याद किया, लोगों ने बड़ी मोहब्बत अता फरमाई, आपने जो है वो ऑडियो जो है वो पढ़ा था, तो जिसने खाली ऑडियो सुना था जब वो मुझे सुनता था तो यही कहता था कि ये आपने ही पढ़ा, इस कदर मैंने उसमें दिल लगी के साथ जो है ना हाजरी पेश की, लोगों ने बड़ी मोहब्बत बड़ी दुआओं से नवाजा, इसके सरकार में जहाँ से गुजर जाते हैं ये हकीकत है कि वो लोग समझ जाते हैं, ये दो अख लड़ जाए तो फिर इसका जाना है, बट साहब अख लड़ जाए तो इसका जाना है, तो मैं इसको सवाल किया इसका, तेन मिलना है, तेरा एड्रेस की है, तेरा पता की है, इश्क कहना तू मेरे नहीं मिल सकता, मैं क्यों कहना तेरे शौर के परिंदे की परवाज छोटी, मेरे शौर के परिंदे की परवाज बड़ी, तेरा मकाम अदना मेरा मकाम आला, तू मेनू नहीं मिल सकता, मैं नहीं इसका तेन मिलना बहुत जरूरी है, तेरा एड्रेस की है, तेरा
ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਜ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭੁਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਣ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਲ ਗੁਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੂੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਢ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਨ ਪੜਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਏ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨਚਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨਚਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਏ ਸਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੱਚੇ ਸੋਨਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨੱਚੇ ਜੁੜੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਤੇ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਚ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਬੇਤਾਰ ਨੱਚੇ ਬੁੱਲਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੱਚੇ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਏ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨਚਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਚਾੜ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪੀਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਵੇਖੇ ਗੁਰੂ ਸਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਵੀ ਆਖੇ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗੂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਲਦੀ ਵੀ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਆਖੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਵੀ ਆਖੇ ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਆਖੇ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਆਖੇ ਪੀਰ ਦੀ ਵੀ ਆਖੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਆਖੇ ਪਰ ਇਹ ਆਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖੇ ਚ ਭੁੱਖੇ ਆਖੇ ਚ ਰਾਜੇ ਆਖੇ ਚ ਕਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖੇ ਚ ਹਾਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਭ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮ